मैं आप सबसे इस बार मेरे लिए भारत भवन में विधायक बनने के लिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और आपके देश में वोट मारने के लिए हम सबको विचार कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ, आप मुझे हराया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, कोई नाराज नहीं। आप कहे हमसे हराया नहीं है, कोई नाराज नहीं, क्योंकि पिछले जो मेरा जो चुनाव हुआ सिर्फ 17 दिन का चुनाव था और 17 दिन में मैं हर जगह मैं आपसे मिलने पाई, हर जगह जा नहीं पाई, लेकिन आपसे मैं बहुत बहुत करती हूँ, प्यार करती हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी मुझे बहुत करते हैं और प्यार करते हैं। मैं भगवान भगवान की हूँ तो उतना ही आलाक नहीं पाती, इस बात पर आपको इतराज नहीं। मैं जो भी काम करती हूँ अगर सड़क बनाती हूँ, जब मैं सांसद बनी अगर मैं सड़क बनाई तो उसमें हर घर के लोग लेते हैं, अगर पुल बनाई तो उसमें भी हर घर के लोग आते हैं, तो मैं काफी हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो सिख हो तो मैं कभी किसी को अलग नजर से कभी नहीं देखा, लेकिन इस बार मेरे लिए भारत भवन में विधायक बनने के लिए हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने तय किया और आपके देश में वोट मारने के लिए हम सबको विचार कर रहे हैं। मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहती हूँ, आप मुझे हराया तो नहीं है ना? नहीं नहीं, नहीं कोई नाराज नहीं। आप कहे हमसे हराया नहीं है, कोई नाराज नहीं, क्योंकि पिछले जो मेरा जो चुनाव हुआ सिर्फ 17 दिन का चुनाव था और 17 दिन में मैं हर जगह मैं आपसे मिलने पाई, हर जगह जा नहीं पाई, लेकिन आपसे मैं बहुत बहुत करती हूँ, प्यार करती हूँ और मुझे भी ऐसा लगता है कि आप भी मुझे बहुत करते हैं और प्यार करते हैं। मैं भगवान भगवान की हूँ तो उतना ही आलाक नहीं पाती, इस बात पर आपको इतराज नहीं। मैं जो भी काम करती हूँ अगर सड़क बनाती हूँ, जब मैं सांसद बनी अगर मैं सड़क बनाई तो उसमें हर घर के लोग लेते हैं, अगर पुल बनाई तो उसमें भी हर घर के लोग आते हैं, तो मैं काफी हिंदू हो या मुसलमान हो या ईसाई हो सिख हो तो मैं कभी किसी को अलग नजर से कभी नहीं देखा, लेकिन मैं बार बार यही कहती हूँ कि इस बार आपको सोचना होगा कि जो नेता आपके लिए आपके दुख में शामिल हो सकते हैं, सुख में ना नहीं लेकिन दुख में जरूर आना चाहिए, आपके जरूरत को देखना चाहिए, आपकी तकलीफ को अपना तकलीफ पाना चाहिए, ऐसे नेता हमको चुनना जरूरी है। आपको यही एक याद दिलाना चाहती हूँ कि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी है और हमारे लिए राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी का सरकार है। योगी जी कल हमारे क्षेत्र में आ रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आ रही है, तो ऐसे मौके पर हम लोगों को दोनों जगह अगर क्षेत्र में हम लोगों को काम करना हो कि हमारे लिए अपने एक ऐसा नेता को चुनना होगा जो क्षेत्र में हम लोगों को काम देखना होगा, तो आपके लिए अपना एक नेता की जरूरत है जो आपकी अपना तकलीफ मारे। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि मोदी जी की सरकार में आप लोगों के लिए कि घर घर में बिजली दिया है, पहले ऐसा नहीं होता था, आपको नमाज पढ़ना हो तो उस वक्त आप लोगों के लिए बिजली की तकलीफ होती थी, तो मैं डबल धूप भरवा के मैं धरने के लिए मैं धमकी देती थी कि मैं भूख हड़ताल करूंगी, क्योंकि यहाँ पे हमारे
नमाज पढ़ने के लिए लोगों को यहाँ तकलीफ हो रहा था, तब जाके प्रशासन मजबूर होकर आप लोगों को बिजली दिया जा रहा था। जितना मुझे वोट दिया है 4,12,000 का वोट मुझे 17 दिन के अंदर अंदर आप सबने मुझे दिया और आशीर्वाद दिया। लेकिन बात ये है, फिर भी हम इस चुनाव में जीत नहीं पाए, क्योंकि उस समय अपना एक ऐसे मोड़ पर चल रहा था, उसमें लोग दूसरों को वोट देना पड़ा। इस बात पर मुझे नाराज नहीं है, लेकिन आखिर तो जरूर है। आपके मैं दिन रात सोचती थी, खास हमारे महिलाओं के लिए क्या किया जाए ताकि उनके परिवार में रोजगार मिले, ताकि उनके लिए एक रक्षा मिले, ताकि हम उनके लिए घर परिवार संभालने के लिए ऐसे काम जाए। लेकिन दुखी बात यह है, आपने ऐसे सांसद को चुना जो आप तक पहुंच नहीं पाते, आपके लिए कोई काम नहीं कर पाते। 4-5-6 महीना हो गया, आप बताइए आपके सांसद जो कृपा नेता बनाया जा रहा है, तो उन्होंने आपके लिए कोई काम किया हो या आपके पास आया हो? आप बताइए आपके पास आपके पास आया नहीं आया? आपके लिए पूछा तो पैरों में छाले आते थे, तो आज एक कटाव नेता कहता था ये फिल्मी वाले हैं, बहुत नाटक करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, हमें तो फिल्मी वाले हैं, हम फिल्म पे काम करते हैं, ये तो सही बात है, लेकिन क्या मैं आपके लिए एक बहन बन कर आपने कभी काम नहीं किया? मैंने किया, आपके लिए जली जरदोजी का काम करवाई, आपके लिए यहाँ पर बाहर गेट के पास जली जरदोजी काम करने के लिए 6 करोड़ का प्रारूप मैंने आपके लिए किया, आपके लिए ICU बनाया, आपके लिए रेल का सुविधा बनाया, ताकि हमारे यहाँ पर कोई भी मरीज जाते हैं सरकारी अस्पताल में रहते हैं, तो वहाँ मरीज के साथ जो भी प्रकार जाते हैं वो नहीं रहते हैं। लेकिन ये भी उस सांसद को हजम नहीं आया तो उन्होंने तोड़ दिया था। आज मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, दुनिया में कोई भी सांसद इससे ज्यादा जो अभी मौजूदा सांसद हमारे रामपुर के जितने केसेस हैं इसमें उनको अवार्ड देना चाहिए कि इतने सारे केसेस उनके ऊपर है, ये बहुत मशहूर है कि इतने सारे केसेस एक ऐसे सांसद का है, फिर भी वो सांसद पार्लियामेंट में जाके महिलाओं को किस तरह उनकी नजर पड़ती है, ये आपने देखा। तो पार्टी का आदेश होगा तो हम कार्यकर्ता हैं, उसके हिसाब से हम चलेंगे। और पिछला जो 5-6 महीने में जो चुनाव हुआ था, उस चुनाव में कितना भी लोगों ने मुझे प्यार दिया था, लेकिन वोटों के हिसाब से हम जो हमारे विरोधी पार्टी है, उस पार्टी का आजम खान साहब इसमें सफलता पाए हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन चुनाव तो हार जीत तो होती रहती है, बात यह है कि एक सांसद के ऊपर इतने सारे केसेस, इतने भ्रष्टाचार के नाम से उनको लोगों ने जो वोट दिया था, लेकिन मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि ऑलमोस्ट 5 महीने के ऊपर हुआ है, क्या आप क्षेत्र में घूमकर लोगों के समस्याओं को सुन रहे हैं? क्या आपके वोट दिया है तो उतने वोट के लिए आप पिछले क्या क्या नहीं किया है? प्रशासन के ऊपर आजम खान साहब बार बार इल्जाम लगाते हैं कि वो इंसाफ नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे यह सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर प्रशासन अपना काम नहीं करती और प्रशासन आप एक न्याय के रूप में उन्होंने लोगों को दिखावा नहीं करते, लोगों को ये साबित नहीं करते, प्रशासन अगर कुछ गड़बड़ करती तो चुनाव मैं जीतती,
प्रशासन ठीक ढंग से काम किया था, इसीलिए तो आजम खान जीता है। ये बात कहीं वो प्रशासन की बात है तो मैं वही आपने दावा भी कर रहे हैं, मैंने बता दिया था। देखिए इतने सारे लोग, इतने सारे जो गरीब महिलाएं, इतने सारे गरीब परिवार और गरीब किसान, वो रोते रोते इतने सालों से उस गुर्बत में रहते हैं, क्या उनके पास कोई जाने का समय है? आजम खान साहब मंत्री थे, पूरे क्षेत्र को देखना था, पूरे प्रशासन उनके हाथ में रहे तो कितने लोगों को, अली हसन ने क्या किया था, कितना लोग, कितने लोगों के ऊपर जुल्म किया था और फर्जी केसेस लगा लगा के उन लोगों को जेल में ठूसते थे, क्या उन गरीब लोगों के आंसू आपको दिखाई नहीं दे रहा है? अब आजम खान साहब आंसू बहा रहे तो इतना बड़ा आपने अखबार में पेपर में डालते हैं कि आंसू बहा रहे, क्यों हम आंसू बहा रहे? तो हमें एक महिला को सम्मान दिया, मैं सिर्फ जया प्रदा सम्मान मेरे लिए नहीं, इस क्षेत्र के सारे महिलाओं के सम्मान की मैं लड़ाई लड़ रही हूँ। तो आज यहाँ इतने सारे गरीब हमारे महिलाएं बैठी हैं, हमारे बहने हमारे भाई हैं यहाँ पे, उन लोगों के लिए जब वो मंत्री थे उस समय पे समाजवादी पार्टी सत्ता में थी तो उस वक्त इन लोगों को रोजगार क्यों नहीं दिया? जो क्षेत्र में यहाँ पे खासतौर यहाँ के जो आरा मिल होता था, ये सारे जो कारोबार होता था वो सब बंद कर दिया था, क्यों बंद कर दिया? आप मंत्री थे, क्यों खुलवाए नहीं? ये मैं सवाल पूछना, मैं जीती, प्रशासन ठीक ढंग से काम किया था, इसीलिए तो आजम खान जीता है, ये बात तो दुनिया जानती है। तो आज प्रशासन ये कर रही है, वो कर रही है, आजम खान साहब को ये पूछना चाहती हूँ मैं आपके नाते, आपके द्वारा, कि भ्रष्टाचार कौन है, मैं हूँ या आजम खान? गरीबों के जमीन को किसने हड़पा, मैं जयप्रदा है या आजम खान? तो आपने लोगों को इतना जुल्म के इतने सालों से आपने किया था, तो अल्लाह की लाठी बेजुबान है, एक ना एक दिन आपको इसका सबक तो सिखाना ही होता है, इसीलिए अल्लाह माफ नहीं करेंगे आपको। जो गरीब हो, गुर्बत में हो, उन लोगों को घर से घसीट कर आपने उनके जमीन को कब्जा किया है और प्रशासन उस पर एक्शन ले रहा है, तो इसमें आप रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं। जिस तरह मैं 10 साल आंसू बहाया और मुझे रामपुर से मुझे यहाँ से निकाल दिया, तब जाके मैं कितना आंसू रोई, क्या आप मेरे आंसू का कोई परवाह किया? लेकिन आप हर सभा में रो रहे हो, मुझे आप बोलते हो कि मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मैं बहुत बड़ी किरदार निभाती हूँ, अब आप क्या कर रहे हो? लोगों को आंसू बहा बहा के आप लोगों को दिल बहलाना चाहते हैं? हमारे आंसू कुछ भी नहीं है, गरीबों के आंसू कुछ नहीं है, बूढ़ी माँ 80-90 साल की बूढ़ी माँ रो रही है कि हमारे घर को घर से निकाल के बाहर फेंक दिया था, हमारे बच्चों को उन्होंने माँ उन्हें क्यों खुलवाया नहीं? ये मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। अगर वो आप काम नहीं कर सकता है, तो वोट भी आपका लायक नहीं है।
आपके लिए आपके बेटे भी विधायक होना चाहिए, आप सांसद बन जाओगे और आपके भाभी भी, आपके हमारी भाभी, आपके पत्नी जो फंजीन फातिमा जी अभी आपको विधायक बनाएगी, वो खुद राज्यसभा की मेंबर थी, तो कितने परिवारों को आप सत्ता में लाओगे? आपके सत्ता का भूख नहीं है, फिर भी आप सत्ता में इतने लोगों को, परिवार को ही बना रहे हैं, क्यों दूसरे लोगों को बना? जो झंडा उठा के 20 साल आपके लिए काम किया है, उन लोगों को आप क्यों नहीं बनाते हो विधायक? अपने परिवार में ही बनाना है, उन माओं के आंसू दिखाई नहीं दे रहा है? मुझे इतने अभद्र शब्द इस्तेमाल करते हुए, मैं उनको भाई बोलती हूँ और मुझे एक बहन के नाते एक सम्मान दिया नहीं दिया? इसीलिए ये श्राप है, एक औरत के आंसुओं के ये श्राप है। आप अभी आंसू बहा रहे हो, हम आंसू बहाते बहाते इस क्षेत्र को जितना मैं मोहब्बत और प्यार करती हूँ, मुझे यहाँ से निकाल दिया था, बाहर फेंक दिया था, लेकिन अभी समय है, लोग समझदार हैं। अभी वो कह रहे हैं कि हमारे पास कोई ऐसे सांसद नहीं आया है। मैं जनता को अवगत कराना चाहती हूँ, ये बदला नहीं है, ये आहत है, लोगों को, गरीब लोगों को लिए ही हमें चुना जाता है। जया जी, जिस तरीके से आजम खान है, जनता जवाब देगी 21 तारीख कल आजम खान कोई निजी नाराजगी मुझे आजम खान से नहीं है। मैं अभी भी उनको भाई मानती हूँ, कल भी मानूंगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मानूंगी, लेकिन वो मुझे माने कि मैं उनकी बहन हूँ। अगर बहन हो तो बहन की इज्जत करें। अगर आप वोट ले रहे हो तो 5-6 महीने से इतने सारे जो गरीब लोग हैं उनके तकलीफ को आपने समझा? आपके पास आए हो, आपके जायदाद जा रहा है, आपके गरीबों के जमीन को कब्जा किया था, उसके ऊपर आपका केस हुआ, उसके लिए आप हुआ आज सुबह?